जब भी हम शर्ट को रिजेक्ट करते हैं तो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमको स्लीव्स कट करके अलग करनी है। स्लीव्स मैंने जो कट की है ये बिल्कुल सिलाई के पास पास से कट की है, और कट करते टाइम हमको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है, टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं होना चाहिए। और दूसरी स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब स्लीव्स को एक बार के लिए हम साइड में रख देते हैं। अब इसकी कॉलर को हम कट करेंगे, तो कॉलर को देखिए बिल्कुल ही जो है पास पास से कटिंग करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कट करेंगे तो बाद में फिर हमको दिक्कत हो सकती है। अब इसको वापस से सेट करके रख लेंगे जैसे पहले रख रखी थी। अब देखिए ऊपर से हमको सीधी सीधी कटिंग करनी है इसकी। अब इसको फोल्ड कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पर हमको 7 इंच पे मार्किंग करनी है लंबाई में भी, 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1 इंच की गोलाई देंगे और फिर यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करेंगे, 3 इंच की लंबाई में मार्किंग करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और कॉर्नर पे 1 इंच की गोलाई देते हुए यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। अब इसको फैलाएंगे। अब देखिए नीचे से हमको क्या करना है, जितना भी राउंड लग रहा है हमको वो सारा सीधा करना है। तो पहले तो पट्टी को इक्वल करेंगे और फिर देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग किया है मैंने। अब यहाँ पर जो है ये सिलाई हो जाएगी इसमें। अब देखिए फ्रंट नेक को हमें 1 इंच और गहरा करना है, मतलब डीप करना है। एक इंच से ज़्यादा नहीं लेना, 1 इंच से ज़्यादा लेंगे तो फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई 3 इंच की है। अब आर्म होल्स में 1 इंच की गहराई देनी है हमको। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा के और इस तरीके से ये देखिए मिला देंगे। दूसरी साइड भी देखिए 1 इंच का मार्किंग करेंगे और ऊपर शोल्डर की तरफ मिलाएंगे, नीचे आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे। अब एक पार्ट उठाएंगे और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। दूसरी तरफ से भी कटिंग कर देंगे। अब इस पार्ट को रखते हैं एक बार के लिए साइड में। अब स्लीव्स लेते हैं, तो स्लीव्स की देखिए इक्वल साइड करेंगे, इक्वल करेंगे स्लीव्स को और फिर देखिए यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमको रेडी लेंथ चाहिएगी इसकी 16 इंच, तो हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो सिलाई मार्जिन में जाएगा आगे भी और ऊपर भी, और फिर यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये कफ कट करके अलग करेंगे, जो ये कपड़ा निकलेगा इससे हमें गले में फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना है। तो देखिए इन दोनों कपड़ों को कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे हम आपस में और फिर इसमें से गले की पट्टी निकालेंगे। यहाँ से देखिए पॉकेट मैंने हटा दी है। अब जो पट्टी हमने कट की थी वो पट्टी लेंगे और पहले तो इसको यहाँ से सी लेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, साइड में हार्ड वाला पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। उसके बाद 1 इंच के लगभग छोड़ते हुए पट्टी और गहराई हमको रखनी है यहाँ पे 4 इंच की और इस तरीके से कटिंग कर देंगे, साइड में से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये पीस कुछ इस तरीके से आया है। अब देखिए जो बीच में से पीस निकला उसमें से इस तरीके से क्रॉस में हमें 2 पट्टी कट करके लेनी है। अब ये पट्टी जो है इसके ऊपर जोड़ देंगे। दूसरी तरफ भी जोड़ देंगे।
तो देखिए इस तरीके से पट्टी रेडी हो जाती है। अब हमको क्या करना है, टॉप पार्ट की जो सीधी साइड है वो करनी है अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर करनी है। तो देखिए सीधी साइड अंदर करते हुए शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरे शोल्डर के ऊपर भी सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई में मैंने आधा इंच दबाया है। अब इसको सीधा करेंगे। यहाँ पर हमको ये पट्टी रख लेनी है। और सिलाई में सिर्फ दो पॉइंट ही दबाना है, आधा इंच नहीं दबाना यहाँ पर। और ये पट्टी मैंने रखी है गले की सीधी साइड से, और पट्टी की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है। तो सीधी साइड दोनों की मैंने मिला दी है, फिर ये पट्टी लगाई है। अब हमको जहाँ जहाँ राउंड नज़र आए वहाँ वहाँ पर देखिए इस तरीके से कट लगा देने हैं। अब इसको पलट कर उल्टी साइड ऊपर करेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल कॉर्नर की पट्टी के कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल लास्ट में सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से गले की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए स्लीव्स को आगे से फोल्ड करेंगे। पहले तो आधा इंच से भी कम फोल्ड किया मैंने और फिर पौना इंच के लगभग मैंने फोल्ड करके देखिए इस तरीके से इसके ऊपर राउंड में सिलाई लगा देंगे। स्मॉल साइज की शर्ट से आप एक्सेल साइज के हिसाब से आप टॉपर बना सकते हो, क्योंकि शर्ट होती है वो लूज ज़्यादा होती है और टॉपर होता है वो लगभग फिटिंग के हिसाब से होता है। तो ये जो टॉपर बनेगा ये एक्सेल साइज का बनेगा। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी फिनिशिंग दे देंगे आगे से। अब ये स्लीव्स अटैच हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे, उल्टी साइड बाहर है टॉप पार्ट की और ये देखिए आगे से हमने जो कटिंग किया था वो पार्ट है। तो स्लीव्स की सीधी साइड रखेंगे इस तरीके से, सीधी साइड बाहर है स्लीव्स की और देखिए आगे की तरफ अपनी तरफ से इस तरीके से हमको आधा इंच कट करना है, सेंटर तक लेकर जाएंगे इस तरीके से। एक पार्ट कट किया ये मैंने, फिर सेंटर निकाला इसका। अब देखिए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, स्लीव्स सीधी ही रखेंगे, उल्टी नहीं करेंगे। अब सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आर्म होल्स तक आएंगे और फिर आर्म होल्स में हमको थोड़ी सी फिटिंग करनी है। तो आप चाहो तो ये फिटिंग पहले भी कर सकते हो, लेकिन बिगनर्स के लिए ये सही रहेगा कि पहले आर्म होल्स तक इस तरीके से लाएंगे सिलाई को, ताकि पता रहे कि हमको जो फिटिंग करनी है वो कितनी करनी है। पहले जो आर्म होल्स थे वो ज़्यादा बड़े थे, हमने छोटे किए हैं। तो देखिए साइड में हमको इस तरीके से सिलाई लगानी पड़ेगी, एक इंच के लगभग आर्म होल्स को दबाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये स्लीव्स एकदम बरोबर आएगी आर्म होल्स में। दूसरी स्लीव्स को मैं अटैच करूँगी तब मैं आपको पहले से ही जो आर्म होल्स में जो है सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए आसानी से स्लीव्स लग गई है। अब देखिए यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा आर्म होल्स है वो पहले से ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हमको सिलाई लगा देनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मोटा हो रहा है, यहाँ से कट कर देंगे।
अब स्ल्यूज को लेंगे। स्ल्यूज हमारी सीधी है, टॉप पार्ट है वो उल्टा है। फिर से देखिए फ्रंट साइड अपनी तरफ कर रखी है मैंने, और सेंटर में सेंटर तक इस तरीके से कटिंग करेंगे एक पार्ट की। फिर इसका सेंटर निकालेंगे, फिर अंदर डालेंगे इसको, फिर सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और फिर पूरे पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से स्ल्यूज अटैच हो गई हैं। अब देखिए नीचे से हमको फिटिंग सिलाई कैसे लगानी है। यहाँ कॉर्नर के ऊपर रखेंगे और फिर देखिए इस सिलाई को थोड़ा सा हमें खोलना है। कटिंग करते टाइम जैसे मैंने कर रखी है वैसे ही आपको करनी है। और फिर देखिए इसको फोल्ड करेंगे। तो कॉर्नर नहीं बनेगा और इजीली देखिए ये फोल्ड हो जाएगा। अब दूसरी साइड से देखिए क्या करना है। पहले तो ये सिलाई खोलनी है और आप चाहो तो दोनों पट्टी को इक्वल करके मार्किंग कर सकते हो। पहले अगर आप बिगनर्स हो तो पहले मार्किंग कर लेना, उसके बाद देखिए यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। और कुछ इस तरीके से सील करके जो है इसको भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम सीधी सीधी पट्टी हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है। कमेंट करके ज़रूर बताना आज का आइडिया आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।